मेला अच्छा है, अच्छा है। 3 साल कोविड में हम लोग घर में बंद रहे हैं, तो अच्छा ही बाहर निकल के तो कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। अच्छा है, कहीं कहीं मजा आ रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा अभी नहीं लगा है, अभी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, गर्मी का हो सकता है, गर्मी के चक्कर में इतना क्राउड कम हो। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस न्यूज और इस रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से मैं अजय वर्मा स्वागत करता हूं। दर्शकों, 35वां अंतर्राष्ट्रीय सुस्कुल मेला जो है शुरू हो चुका है और इसकी झलकियां और कुछ वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि गर्मी बहुत तेज़ हो चुकी है, 38 डिग्री की गर्मी है और आज हम यहां का हालात दिखा रहे हैं कि ये जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड में अभी दिन का समय है और यहाँ पर थोड़े ही लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग जो है पेड़ों के नीचे छुपे हुए हैं। हम इस वक्त जो ये महाराष्ट्र का जो बनाया हुआ है किला, हम उसके ऊपर आए हुए हैं और यहाँ से आपको ये व्यू दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मेले में जो है अभी नज़ारा। अक्सर जब भी ये मेला लगा करता था फरवरी माह में, क्योंकि हल्की मीठी ठंड हुआ करती थी और लोगों को ये धूप भी जो है चुभा नहीं करते, लेकिन अब मार्च में ये धूप चुभने लगी है और लोग जो है अभी मेले में आने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन शाम को लोग धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू करते हैं। अभी भी कुछ लोग आए हैं चौपाल पर, रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि ये जो सूरजकुंड मेला है, इस बार कोविड के चलते जो है फरवरी की जगह मार्च में लगाया जा रहा है, फरवरी में स्थगित कर दिया गया था। अब सारे प्रोटोकॉल्स जब खत्म हो चुके हैं, जब हरियाणा में महामारी का दौर खत्म हो गया, उसके बाद एक बार फिर से इस मेले को लगाया गया। हालांकि इस मेले में जितने भी हस्तशिल्पी आए हैं, सभी अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं और इन सभी हस्तशिल्पियों से हम आपके एक एक करके बात भी करेंगे और आपको दिखाएंगे भी कि इन हस्तशिल्पियों की क्या क्या कला है। तो आइए आज आपको इस मेले में फिर से लेकर चलते हैं। मैं आई तो वैसे हूँ पंजाब की। तू बोल ले। मैं वैसे हूँ पंजाब की, फिलहाल रह रही फरीदाबाद में। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में? 2 साल बाद फिर से लगा है। अच्छा है, कहीं कहीं मजा आ रहा है, कहीं कहीं थोड़ा सा अभी नहीं लगा है, अभी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, गर्मी का माहौल हो सकता है, गर्मी के चक्कर में इतना क्राउड कम हो, वरना अच्छा है। अगर हाँ अच्छा रहा मौसम तो बहुत अच्छा क्राउड रहेगा। मेला अच्छा है, 3 साल कोविड में हम लोग घर में बंद रहे हैं, तो अच्छा ही बाहर निकल के तो कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं। नहीं तो 3 साल तो ऐसा था, जेल में बंद है, बीमारियां लोगों को देख देख के कि कितना बुरी तरह मर रहे हैं बीमारियों से, और खुद हम भी पक गए थे, हमारी मेंटल हालत भी ऐसी हो गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि चलो अब निकले, आजादी मिली है, पंछी होता है ना फरार, तो है ना? कोई असर नहीं दिख रहा। अरे गर्मी गई बाहर में, इतना बढ़िया मेला लग रहा है। तो महिमा शीतल जी कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली राजौरी गार्डन से आई हूँ। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सूरजकुंड मेले के बारे में? इस बार 2 साल बाद लगा है और मार्च महीने में लगा है। हम लोग बहुत वेट कर रहे थे, बस कोविड के चक्कर में लेट है, बट गर्मी भी बहुत है। फरवरी में होता था तो बहुत अच्छा लगता था, इस टाइम देखो गर्मी में बुरे हाल हो रहे हैं हमारे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। थीम अभी और एक्सप्लोर करनी है हमने। अभी हमने हैंडीक्राफ्ट देखा अच्छे से, बच्चों ने ये चाक बन रहा है, चाक बहुत अच्छे से देखा कि इन्होंने लगा कि हाँ मिट्टी के बर्तन कैसे बनते हैं। आपने बच्चों को लेकर आए हैं, संस्कृति से जोड़ने के लिए कितना बड़ा मेला लग सकता है, क्या कितना फायदेमंद है बच्चों को, क्या नहीं? बहुत देखिए, ये हैंडीक्राफ्ट से बच्चों को बहुत चीज़, ये चाइनीज आइटम खरीदते हैं ना ज़्यादा, तो इनको पता चलेगा कि हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, हाथ से मेहनत से कितनी मुश्किल से चीज़ें बनती हैं। ये 35th हमारा मेला है और यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, थोड़ी गर्मी है पर ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरे को और देखने का मन है कि मैं और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि इस मेले में क्या क्या और है और क्या क्या और होएगा। अच्छा, अभी तक आपने क्या क्या देखा जो आपको अच्छा लगा अभी तक? मेरे को है ये जो बर्तन बना रहे थे मिट्टी से, ये अच्छा लगा, और मेरे को जो ये महात्मा गांधी यूज करते थे उससे जो वीविंग कर रहे हैं अंकल, ये बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एक बार आपका नाम बता दो। मेरा नाम काशी तोमर है। सर, गर्मी के माहौल में फैमिली के साथ आए हैं, सबने चश्मे पहने हैं, टोपी पहनी है, क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम बता दीजिए। मैं दीपक तोमर फ्रॉम दिल्ली। गर्मी तो है मगर एक्साइटमेंट बहुत है, 2 साल से मेला लगा नहीं था तो इसीलिए इस बार स्टार्टिंग में हमने सोचा कि इसको कवर करते हैं। सब कुछ कलरफुल है यहाँ पर और बेसिकली हम आते हैं हैंडीक्राफ्ट, कोई भी आइटम है उनको परचेज करने के लिए कुछ भी, और बच्चों के साथ लेके आते हैं, ये भी इंजॉय करते हैं काफ़ी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ। गर्मी है,
के बावजूद जोश बना हुआ है? गर्मी तो दिल्ली में सर्दी गर्मी लगी रहती है, कोई इसका इशू नहीं है, गर्मी को हैंडल कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो दोबारा आएंगे फिर? हाँ हाँ जरूर जरूर आएंगे। मेरा नाम कल्पना है। मेले में आया है, कैसा लगा आपको? मतलब पिछली बार सेकंड, मतलब दो साल पहले आई थी तब ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, अब तो इतना अच्छा नहीं। गर्मी भी बहुत है। हाँ फैम में सूटेबल होता है मेरा। तो आप अभी पहला दिन आगे भी आना पसंद करोगे? देखते हैं अगर दोस्त ग्रुप साथ में आए। बल्लभगढ़ दयालपुर। तो वैसे मेला कैसा लगा, आप घूमे हो देखा है? अच्छा है। चंद्र प्रकाश शर्मा। सर कहाँ से आए हैं? मैं पलवल से आया हूँ जी। क्या कहना चाहेंगे, बच्चे भी कितना परेशान हो रहे हैं इस गर्मी सर में? गर्मी के कारण से बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस कारण ये जो फरवरी में लगता था तो वो सूटेबल था, उस टाइम पे थोड़ी ठंड भी रहती थी और उससे बच्चों को और लोगों को घूमने फिरने में भी परेशानी नहीं होती थी, थोड़ा धूप की वजह से ही थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। तो क्या कहते हैं, क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस साल? मेरी सलाह ये है कि अगले साल जब ये लगे तो फरवरी में ही लगे, तो वही सीजन सूटेबल है और अच्छा भी है, उस टाइम थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। तो हर साल आप आते हैं पिछले कई सालों से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तो इस बार आपको थोड़ा गर्मी की वजह से दिक्कत लग रही है, थोड़ा परेशानी हो रही है घूमने फिरने में भी, तो प्यास का तो एक जीव हो रहा है बहुत ज़्यादा, वही परेशानी ज़्यादा है। ठीक है।